प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संत अतर सिंह जी मस्तवाण वाले, ग्रिस्त धर्म में रहना कैसे है एक बात समझ लेना साथ में। ग्रिस्त धर्म को प्रधान कहा गया है, चार वर्णों में ग्रिस्त वर्ण को प्रधान कहा गया है। प्रधान साधु संतों से भी ऊपर ग्रिस्त धर्म को कहा गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मत सोचना, बात को गहराई से समझना, जो लोग घर बार छोड़कर चले जाते हैं ना नाम जपने, उनसे ऊपर ग्रिस्त धर्म को कहा गया है। वाणी कहती है एका नारी जति पर नारी तीपे अणव खाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसकी एक नारी है, जिस स्त्री का एक पति है, सिद्धक है जिसका, जिस पति की एक पत्नी पर सिद्धक है, वाणी उसे जति का खिताब देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। स्त्री ईमान पुत्र निशान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी समझाया करते थे, कहते थे जो लोग घर बार छोड़कर चले जाते हैं नाम जपते हैं, हो सकता है जल्दी प्राप्ति कर लें क्योंकि नाम ज्यादा जपते हैं, पर कहते थे हो नहीं पाता। कारण क्या है, कारण क्या है पता है? कहते थे जो घर बार छोड़ के नाम जपते हैं उन्हें कहते हैं विहंगम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विहंगम का जीवन कैसा होता है कि पूरा दिन रात सिमरन में बीतता है, पक्षी है उड़ के जल्दी पहुंच जाता है, विहंगम पक्षी को कहते हैं। पर अगर पक्षी गिर जाए वापस उठने लायक नहीं रहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर पक्षी गिर जाए, बाबा नंद सिंह जी समझाते थे, कहने का भाव अगर करेक्टर गिर गया उसका इतनी अपनी उम्र में, सारी की हुई भक्ति बंदगी सब खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए ग्रिस्त धर्म प्रधान है। 100 बार 1000 बार गिर जाए इंसान उठ के खड़ा हो सकता है क्योंकि चल कर पहुंच रहा है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चलता हुआ आदमी गिर जाए फिर से उठ जाएगा, पक्षी गिर जाए धरती पर उठ नहीं पाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में यही तो होता है, बहुत सारे लोग घर बार छोड़कर संन्यास ले लेते हैं, फिर कभी ना कभी कैरेक्टर गिर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि ये काम वासना इसे काबू में करने के लिए पूर्ण महापुरुषों का सर पे हाथ चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संत अतर सिंह जी मस्तवाने वाले ग्रिस्त धर्म को कैसे पालना है इसके उदाहरण दिया करते थे। कहते एक राजा, उसके 3 बेटे 3 राजकुमार। अब समय आ गया राजगद्दी सौंपने का, तो उसने विचार किया किसे दूं, कौन ज्यादा बुद्धिमान है। ये जानने के लिए राजा ने 3 घोड़े तीनों को दिए और कहने लगे इतने सारे तीर्थ स्नान करके वापस आना है, ये तीर्थ स्नान सब जगह जाके आना है, और जो सबसे पहले आएगा वापस उसे राजगद्दी सौंप दी जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सैकड़ों मील का रास्ता है जो तय करने के लिए कहा गया है, 3 घोड़े दे दिए गए। एक तो उसी वक्त सवार हो गया, घोड़े पर भागने शुरू कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना उसने दिन देखा ना रात देखती, भागते जा रहे कि सबसे पहले मैं कर लूं और वापस आ जाऊं। ना दिन में आराम ना रात में आराम, भागते जा रहे भागते जा रहे, घोड़ा बीमार होके मर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत अतर सिंह जी मस्तवाली उदाहरण दे रहे हैं कि ग्रिस्त धर्म को कैसे पालना है, कैसे इसमें चलना है अगर मंजिल तक पहुंचना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने के दूसरे ने सोचा कि इतने सैकड़ों हजार मील का सफर है, पहले घोड़े को तगड़ा कर लूं। घोड़े को खिलाता रहा, घोड़ा इतना मोटा हो गया कि जब वो भगाए तो भागे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो जल्दी थक जाए, थोड़ा चले रुक जाए, वो भी फेल हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीसरे ने कैलकुलेशन की बैठकर कि इतना सफर है, इतना सफर के बाद मैं घोड़े के आराम कराऊंगा, उसके बाद मैं खुद आराम करूंगा, घोड़े को इतना भोजन खिलाऊंगा, खुद इतना खाऊंगा। उसने पूरे कैलकुलेशन की, उस हिसाब से चला नियम के हिसाब से, और वो सारा कुछ करके वापस आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे राजगद्दी मिल गई। महापुरुष कहते थे यह शरीर रूपी घोड़ा भगवान ने हमें दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ग्रिस्त धर्म में चलने के लिए जब किसी को सत्संगत प्राप्त होती है, ऐसे सच में ऐसा होता है, मैंने देखा है क्योंकि मैं खुद भी ऐसा हो गया था एक बार, जब किसी को सत्संगत प्राप्त होती है एकदम, जब कोई जुड़ता है तो उसे एकदम जोश आ जाता है।
महापुरुष कहते थे कि इस शरीर रूपी घोड़े को भगवान ने किसी को 100 साल उम्र दी है, किसी को 75 साल, किसी को 50 साल, अभी उसमें उसने काम पूरा करना है, उम्र किसी को पता नहीं कितनी है। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। कहते थे फिर भी एक नियम के हिसाब से 75 साल पकड़ लो, तो कहते थे 66 करोड़ श्वास है तुम्हारे पास गिनकर, और 100 साल है तो 88 करोड़ श्वास है। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। इतने श्वासों में तुमने मंजिल पानी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीतना है, जीवन मुक्त होना है, गुरबाणी को अपने हृदय में बसाना है, प्रभु को प्राप्ति करनी है, कैसे होगी? कहने के जो पहली बार किसी को चाव पैदा होता है तो दिन रात सिमरने लग जाता है। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। ना दिन देखते ना रात, सुबह शाम बिना आराम जपते जा रहा है, जपते जा रहा है, जपते जा रहा है। पर ये बात बाबा नंद सिंह जी भी कहा करते थे, कहते थे जब कोई ज्यादा जपता है ना बिना महापुरुषों के आशीर्वाद के, आशीर्वाद का भाव होता है महापुरुषों की निगाह के हेठ, उनकी बताई हुई जुगती महापुरुषों ने सब किया होता है, कोई अपनी मर्जी से जब दिन रात ज्यादा जपने लग जाता है दिमाग पे असर हो जाता है। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। दिमाग हिल जाता है, मस्ताने हो जाते हैं ऐसे लोग, मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं हरिमंदर साहब में भी, यहाँ पर भी एक दो हैं। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। दिमाग हिल गया, कर तो नेक काम करने गए थे पर वो घोड़े की तरह भागते जा रहे दिन रात, घोड़ा बीमार होकर मर गया रास्ते में। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। ये तरीका नहीं है क्योंकि महापुरुषों की जुगती नहीं पता उन्हें। दूसरी बात, एक दूसरा होता है जो ये सोचता है कि मैं अभी करूंगा कल करूंगा, अपने आप को तैयार करने में सारा जीवन बिता देता है। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। अपने आप को तैयार करने में सारा जीवन बिताया था कि मैं आज कल से मैं ये नेम करूंगा, पर कर नहीं पाता। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक, क्योंकि उसका ध्यान बाबा नंद सिंह जी वचन करते, जो लोग यादा खाते हैं। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। कई लोग जीने के लिए खाते हैं, कई लोग खाने के लिए जीते हैं। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। जो लोग खाने के लिए जीते हैं वो लोग केवल प्लानिंग करते रह जाते हैं, कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक, दान गुरु नानक। और तीसरे होते हैं जो प्लानिंग से चलते हैं। वो प्लानिंग क्या है? महापुरुष समझाते थे, कहते थे जो लोग को काम आराम का काम है, दुकान पे बैठे हैं, कोई मेहनत का काम नहीं आजकल, कहते थे 4 घंटे की नींद बहुत है। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। कोई बहुत मेहनत करता है, मजदूर है, हल चलाता है, 6 घंटे की नींद उससे ज्यादा आलसी। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। कहते थे रात को, महापुरुष कहते थे रात को 2 बजे 10 बजे सोके 2 बजे उठ जाया करो, 2 बजे उठ के स्नान कर लिया करो। ये जो डॉक्टर कहते हैं ना कि 7 घंटे सोने 8 घंटे सोने, उसकी बात बड़ी अच्छी लगती है सुन के। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। फिर हम ये तर्क देते हैं लोगों को कि डॉक्टर कहता है, भाई सब तो कुछ भी कहते हैं। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। पर ये मैं नहीं कहता, सात संगत जी बाबा नंद सिंह जी के वचन है, संत अतर सिंह जी अस्मृति हमारे के वचन है, ये हर महापुरुष के वचन है। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। जिन्नी नाम ते आया गए, मशक्कत घाल मेहनत किया उन्होंने, आलस से सोए नहीं रहे। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। जिन्होंने नाम जपा है, जिन्होंने मेहनत की है, मेहनत का भाव जागे हैं वो। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। 2 बजे उठ के बैठ जाया करो, फिर उसके बाद अगर फिर भी आपको आराम की जरूरत है दोपहर को भी सो लो 2 घंटे, पर एक टाइम टेबल बनाओ कि अमृत वेला ना छूट जाए, ये डर हो मन में। वो तीसरे राजकुमार ने पूरा टाइम टेबल सेट करके वो चला। महापुरुष कहते थे इस प्रकार अपने शरीर रूपी घोड़े का इस्तेमाल करो कि ये मंजिल तक पहुंच जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।